Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn personal pronoun use and rules. बहुत सारे learner personal pronoun की use को लेकर बहुत confused रहते हैं. तो आइए friends सीखें कि वो क्या चीज है जहां learner अक्सर confused हो जाते हैं. Friends, अगर आपके एक ही sentence में तीनों person आए हों, जैसा कि आप जानते हैं friends, person तीन तरह के होते हैं. I, we first, you second, he, she, it या they या कोई naming word, ये होते हैं third person. तो friends, अगर आपके एक ही sentence में तीनों person हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं first person, वह third person और तुम second person. तो अगर आपके एक ही sentence में तीनों person हो, तो उसे कैसे लिखना है? Friends, इसके पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, सबसे पहले मुझे आपको ये बता देना चाहिए कि सिर्फ you एक ऐसा pronoun होता है, यानी सिर्फ यू ही एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं. यानी यू का यूज एक इंसान और एक से ज्यादा इंसानों के लिए होती है. जैसे तुम एक डॉक्टर हो, यहाँ तुम कहने का मतलब कोई एक इंसान. और मैं ये भी कह सकता हूँ तुम लोग एक डॉक्टर हो, तो यहाँ तुम लोग से बहुत ज्यादा लोगों का पता चला. अगर मैं कहूँ तुम खराब हो, तो यहाँ तुमसे एक इंसान का पता चला. लेकिन अगर मैं कहूँ तुम लोग खराब हो, तो यहाँ तुम लोग से बहुत सारे लोगों का पता चला. तो फ्रेंड्स, सिर्फ यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं. लेकिन कमाल की बात यह है कि इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होती है. तो फ्रेंड्स, अगर आपके एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन आए हुए हों और अगर वो सिंगुलर हो, यानी वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सेकेंड पर्सन, उसके बाद आप लिखेंगे थर्ड पर्सन और फिर आप लिखेंगे फर्स्ट पर्सन. चाहे आपके सेंटेंस के शुरू में कोई भी पर्सन लिखा हो, लेकिन जब इसकी ट्रांसलेशन होगी तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड, फिर फर्स्ट. तो हमारा सेकेंड पर्सन यहाँ लिखा हुआ है तुम, हम लिखेंगे यू. उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड पर्सन, वो है यहाँ पर वह, यानी ही. अगर वो कोई मेल हो तो, फीमेल हो तो आप शी का यूज कर सकते हैं. और अब हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, जो है यहाँ, एंड आई. फ्रेंड्स, इस बात को आप गौर से देखेंगे कि चाहे शुरुआत में फर्स्ट लिखा हो, थर्ड लिखा हो, अगर आपके सेंटेंस में तीनों पर्सन आए हुए हैं और अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट. यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स. फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ दो पर्सन आए हुए हों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं और वह, तो अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले लिखेंगे सेकेंड पर्सन, उसके बाद आप लिखेंगे थर्ड पर्सन और वो है यहाँ पे, हम लिखेंगे ही या शी. अगर वर्ड वह किसी फीमेल के लिए आया हुआ है तो आप सी का यूज करेंगे, और के लिए हम लिखेंगे एंड, और मैं के लिए हम लिखेंगे आई. तो जैसा आपने देखा फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखा था मैं, लेकिन उसका ट्रांसलेशन मैंने पहले नहीं किया. साथी हैं आर पार्टनर्स, साथी के लिए आप फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं. शी एंड आई आर फ्रेंड्स. बाय द वे, अगर यहाँ पर वह के जगह पर तुम लिखा होता, तो फिर आपका ट्रांसलेशन ऐसे होता, सबसे पहले आप तुम के लिए यू लिखते. क्यों? सबसे पहले लिखेंगे सेकेंड पर्सन, उसके बाद आप लिखते एंड आई आर फ्रेंड्स. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो आप सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, उसके बाद आप थर्ड पर्सन लिखेंगे. जैसे हम, तुम लोग और वे, तो ये सभी सब्जेक्ट प्लूरल हैं. और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आप सबसे पहले आप फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे वी. उसके बाद आप सेकेंड पर्सन लिखेंगे, यानी यू. और उसके बाद आप थर्ड पर्सन लिखेंगे, जो है दे. तो फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल में है, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, उसके बाद आप थर्ड पर्सन लिखेंगे. मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस में सिर्फ दो सब्जेक्ट आए रहते, जैसे लिखा होता तुम लोग और वे साथी हैं, तो भी अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आप इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे. इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो आप उसे छोड़ दें, उसके बाद आप सेकेंड पर्सन, उसके बाद आप थर्ड पर्सन लिखेंगे. आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और खास बात जाने, जहां अक्सर लर्नर कंफ्यूज रहते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, जैसे तुम और मैं, और उन दोनों के लिए एक प्रोनाउन लिखना हो, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तुम और मैं अपना काम कर चुके हैं, तो
तो फ्रेंड्स यहाँ अपना के लिए कोई प्रोनाउन आएगा। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि अपना, अपनी, अपने के लिए अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो अपना का अंग्रेजी माई होती है। अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो अपना का अंग्रेजी अवर। अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो अपना का अंग्रेजी योर। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो अपना का अंग्रेजी हिज। अगर आपका सब्जेक्ट सी है तो अपना का अंग्रेजी हर। अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो अपना का अंग्रेजी देयर होता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यह मैं लेसन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखे होंगे जहां मैंने यह लेसन पढ़ाया। अक्सर हम बात करते हुए अपने सेंटेंसेस में अपना, अपनी, अपने बोलते हैं। जैसे मैं अपने घर में हूँ, वह अपने कमरे में है, मैं अपने फील्ड में हूँ, वे लोग अपने दुकान में हैं। तो फ्रेंड्स अक्सर हमें ऐसा कहना पड़ता है अपना, अपनी, अपने। तो चलिए सीखें कि आप अपना, अपनी, अपने के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स वर्ड अपना, अपनी, अपने के लिए हम कोई एक पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं करते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वो क्या वर्ड्स हैं जो अपना, अपनी, अपने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपका सब्जेक्ट आई हो तो अपना के लिए माई। अगर आपका सब्जेक्ट यू हो तो अपना के लिए योर। अगर आपका सब्जेक्ट सी हो तो अपना के लिए हर। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो अपना के लिए हिज। अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो अपना के लिए अवर। अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो अपना के लिए देयर का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है, अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो जैसा कि आप देख सकते हैं यू एंड आई, तो फिर अपना की अंग्रेजी क्या लिखें? तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को भी समझते हैं। फ्रेंड्स अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो आप उनके लिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे यानी अवर का यूज करेंगे। फ्रेंड्स मैं एक बार और कहूंगा, अगर आपका सब्जेक्ट तीसरा और पहला है तो उसके लिए आप जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी अवर। अगर आपका सब्जेक्ट दूसरा और तीसरा है तो आप सेकेंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे जो होता है योर। और फ्रेंड्स अगर आपका सब्जेक्ट दूसरा और पहला है, जैसा कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट दूसरा और पहला आया हुआ है, तो जब आपका सब्जेक्ट दूसरा और पहला हो फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे जो होता है अवर। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ अपना के लिए आप क्या प्रोनाउन यूज करेंगे तो आप आसानी से कह सकते हैं यहाँ सेकेंड और फर्स्ट पर्सन आए हुए हैं, और जब सेकेंड और फर्स्ट पर्सन आते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं यानी हम यूज करेंगे अवर। और ये हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ। बाय द वे फ्रेंड्स अगर यहाँ थर्ड और यहाँ फर्स्ट होता तो आप थर्ड और फर्स्ट के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा अवर। बाय द वे फ्रेंड्स अगर यहाँ सेकेंड और यहाँ थर्ड होता तो आप सेकेंड और थर्ड के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा योर, यानी आप सेकेंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। फ्रेंड्स सोचें इस सेंटेंस में क्या प्रोनाउन भरना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो फ्रेंड्स जब आपके सेंटेंस में सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो तो आप फर्स्ट पर्सन प्लूरल का यूज करेंगे यानी अवर का यूज करेंगे। और अगर आपके सेंटेंस में थर्ड और फर्स्ट हो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ थर्ड और फर्स्ट आया हुआ है, तो जब आपके सेंटेंस में थर्ड और फर्स्ट हो तो उनके लिए आप जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा अवर। लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड हो तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा योर। आइए फ्रेंड्स आज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आए हुए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या प्रोनाउन दिया जाएगा? जैसे कि फ्रेंड्स आप ऊपर देख सकते हैं जब आपके सेंटेंस में सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तो जो आप प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा योर। आप यहाँ लिखेंगे योर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक खास बात आपको बता दूं, अगर आपके सेंटेंस में तीनों सब्जेक्ट हो जैसे यू, ही और आई, तो आप इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा अवर, यानी आप फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। फ्रेंड्स आप ये भी बात याद रखेंगे कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों तो उसके लिए जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो होगा देयर, जैसे
Rani and Rekha went to a picking their school. दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, राजू एंड जैसन हैव ड्रंक देयर मिल्क। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दो नाउन आए हुए हैं और जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो उसके लिए जो हमारा प्रोनाउन होगा वो होगा देयर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो फिर मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दें। फ्रेंड्स बताएं कि अगर आपका सब्जेक्ट दे और यू है तो फिर उसके लिए आप क्या प्रोनाउन यूज करेंगे। फ्रेंड्स आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।